मैं अमित रोजमर्रा की जिंदगी जीता हुआ एक आम इंसान। मेरी जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही कट रही है, जैसे रोज सुबह ऑफिस जाना और शाम को थक करके घर आना। एक दिन मैं अपने ऑफिस के रास्ते से घर जा रहा था। मैं देखता हूँ एक लड़का और एक लड़की आपस में लड़ रहे हैं। आसपास मौजूद पूरी भीड़ में से सारे लोग तमाशबीन बने खड़े देख रहे हैं। मैं भी शायद उस भीड़ का हिस्सा बन गया और मैं भी उनके बीच के झगड़े को समझाने की बजाय उन्हें उसे भीड़ से लड़ता हुआ देख रहा था। मुझे इस बात का आभास नहीं था कि उनका झगड़ा कुछ इस हद तक पहुंच जाएगा कि लड़के ने गुस्से में आकर लड़की पर चाकू से जोरदार हमला बोल दिया। जब वह चाकू से उसे लड़की पर हमला कर रहा था, मैं और पूरी भीड़ बस तमाशा देख रही थी और उसे दुर्घटना को बस अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। मैं सोच रहा था कि कोई अगर हिम्मत करे तो मैं भी हिम्मत करके उसे रोकूं और उस लड़की की मदद कर सकूं। शायद मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूं, तभी मेरे विचार इनसे जरा भी अलग नहीं है। मेरी हिम्मत उस लड़की की आवाज के साथ जवाब दे जा रही थी। जैसे जैसे उस लड़की की आवाज कम होती गई, मैं भी यह धीरे धीरे करके समझाता गया कि अब इस व्यक्ति को सजा कानून के हिसाब से मिलेगी और वैसे भी कई लोगों ने इसकी वीडियो बना ली है, तो कोई ना कोई अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में इसे सोशल मीडिया में जरूर पोस्ट करेगा। और वह जो लड़का था, लड़की की मौत के बाद वह वहां से भाग गया। किसी में भी कोई हिम्मत नहीं थी कि उसे पकड़ सके। मैं आखिर दूसरों को क्यों बोल रहा हूं, आखिर मैं भी तो वही हूं। इस हादसे के कुछ समय बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे ये बात इतनी जरूरी नहीं लगी कि मैं अपनी बहन सीमा के साथ ये सब बयां कर सकूं। अगली सुबह फिर दोबारा से वही ऑफिस का कार्य और शाम को देर से छुट्टी। शायद मेरे लिए वो कल का हादसा आज धुंधला सा हो गया है। मैंने कल के हादसे को भुलाने के लिए आज दूसरा रास्ता लिया है। मैं आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि मैं देखता हूं कई सारे लोग एक जगह पर खड़े हैं। मैं भी उसे भीड़ का हिस्सा हो लेता हूं, ये सोचकर कि शायद कल की तरह किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई झगड़ा हो रहा होगा। मैं देखता हूं कि एक लड़का जिसके एक हाथ में चाकू है जिसमें खून लगा हुआ है, और कुछ ही दूर पर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसका चेहरा जमीन की ओर है, जिससे कि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। वो लड़का उसे लड़की के बगल से उसके बैग को उठाता है, उसके बैग से उसका सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। मैं शायद उस भीड़ के बीच में इतना खो चुका था कि मैं भी अपने मोबाइल के कैमरे में इस हादसे को रिकॉर्ड करने लगा। आसपास की भीड़ से मुझे कुछ बातें समझ में आए, जिससे कि मुझे पता चला कि यह लड़का इस लड़की के पीछे प्यार में पागल था और रोज इसे तंग करता था, पर आज न जाने इसे क्या सनक लगी कि इसने चाकू से इस लड़की पर हमला बोल दिया। यह एक तरफा प्यार पागलपन की तरफ ले जाता है। कुछ मिनट में पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस के आने से पहले कि वो लड़का वहां से भाग गया, और कल की ही तरह कोई उसे पकड़ने की हिम्मत भी नहीं करना चाहता था। भीड़ में ज्यादातर लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए एक वीडियो मिल चुकी थी। पुलिस उसे लड़की के शव को पलटती है, जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। मैं उसे चेहरे को जानता हूँ जो अभी तक दूसरी ओर था। वो सीमा थी, मेरी बहन सीमा। मैं आसपास खड़ी उस भीड़ से पूछता हूँ कि आखिर क्या हुआ था, उनसे मदद मांगता हूँ, पर शायद ये भीड़, ये समाज मुझ जैसों को ही मिलाकर बना है। मैं देखता हूँ सीमा का चेहरा खून से लथपथ है। यह वैसे ही है जैसे कल उस लड़की के साथ हुआ था। मैं भी भीड़ का हिस्सा होकर भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं खुद से कल उस लड़की को बचा सकूं, और आज भी मैं भीड़ का ही हिस्सा हूं। अगर भीड़ से एक या दो व्यक्ति भी आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, ये बदलाव लाता है उन बाकी लोगों के विचारों में जो ये समझते हैं कि यह उनकी परेशानी नहीं है। मैं आप हम सब अगर भीड़ का हिस्सा होंगे तो उसे भीड़ के विचारों को ही हम हमेशा के लिए अपना लेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े हमसे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।